पूरी फिल्म बन रही है, शूटिंग हो रही है। हाँ, यहाँ पे बनकटी के पास ही एक मार्केट है, वहाँ आए हैं हम लोग, कुछ सामान खरीदना है खाने पीने का सबको फिर। हाँ हाँ, आप खाने पीने का सामान खरीदना है। छोटी सी गांव की मार्केट है, लेकिन लगेगा नहीं आपको ये गांव की मार्केट है। ये काफ़ी थोड़ा सा अब धीरे धीरे मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, हमारे गांव भी शहरीकरण की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, छोटी सी मार्केट है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये सीधे चंदन चौक की घूम के आपको दुधवा के पास से मिलेगी। अच्छा रोड बन गया है, ये सीधा रोड गया है, यही सीधा रोड जो हमारा पनकटी गेस्ट हाउस है वो उस पर भी जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, कभी इधर आएंगे तो आपको ये सब चीज़ें आसानी हो जाए, मिल जाए आराम से, जो भी सामान आपको लेना हो। सामने हमारे मेजर सलील शुक्ला जी बैठे हुए हैं, और ये रही हमारी आज का डिनर का इंतज़ाम। चिकन बन रहा है देसी स्टाइल में, बिल्कुल। टेस्ट कैसा है सर? बढ़िया। अरे हमने बनाया तो अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, आप ट्राई करके देखो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये है, ये मिड जंगल है बिल्कुल, और ये हमारा गेस्ट हाउस है, हमारे साथी बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। बताओ क्या कम है? गजब है, गजब है, गल भी गया है, मज़ा आ रहा है खाने में। क्या हुआ, आपने पानी डाल दिया किनारे क्या? हाँ, हल्का सा, दो मिनट और बस। अभी तो हम चलेगा, अभी बार पानी सब खत्म हो गया। हाँ, पानी भी खत्म हो जाएगा। ये देखिए पानी सब खत्म हो गया। ये बन रहा है चिकन, ये सभी साथी हमारे बैठे हुए हैं, कलीग्स हमारे। ये थोड़ा सा मैदान है, है, और ये बिल्कुल अंधेरा आपको दिखेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो ये रात के डिनर का इंतजाम जंगल के बीचों बीच, जैसा कि आपको पिछले वीडियो शॉट में बता ही चुका हूँ कि बनकटी दुधवा रेंज है, ये बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास बैठे हुए हम लोग, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या चिकन बना है। ये विष्णु जी हैं जो ज़मीन में झुके हुए हैं, कुछ बर्तन वर्तन उठा रहे हैं। ललित भाई खड़े हुए हैं हमारे, बाकी साथी बैठे हुए हैं। ये चल रहा है, बातचीत चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एंजॉय हो रहा है। ये एक क्रांतिकारी कदम है जो हमारे सफेद वाला अभी कहीं दिख रहा है, इस समय प्रस्तावित कर रहे हैं जी जी। पुलिस स्टेशन का नाम पुलिस सहायता केंद्र कर दिया। बढ़िया है, ये तो क्रांतिकारी। और पुलिस सहायता केंद्र में जो भी पोस्टेड हो वो किसी भी चीज में गिरफ्तारी नहीं कर सकता। बिल्कुल, उसके लिए उसका काम सिर्फ पुलिस की सहायता करना, मुकदमे दर्ज करना, जो कुछ भी केस है उसको दर्ज करना, FIR ये करना, ये उसका काम। और दो थप्पड़ मारने का हक है, अगर उसको दो थप्पड़ मारने दिए जाए, गिरफ्तारी की आवश्यकता है तो उसको क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करना। चलिए, ये बात बिल्कुल आपकी ऑन रिकॉर्ड हो गई है, ऐसा किया जाएगा। ये मैंने लिखित में दे रखा है, उनके पास में ईमेल है, इन्होंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया मुझे पता नहीं। पुलिस गिरफ्तार नहीं करे तो गुंडे ही बता देंगे। आपके क्या विचार है, बताइए बताइए। हाँ बताइए, क्या कह रहे हमसे? हाँ आप बताइए, क्या विचार है? मैं ये कह रहा था कि जो है गिरफ्तारी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर उपद्रवी तत्व इतने ज्यादा हैं कि अगर उनको छूट दे दी जाएगी ना, कि मतलब गवर्नमेंट तो मान लीजिए सही काम करना चाहती है, लेकिन ज्यादा डील दी जाएगी तो वो जो है बिल्कुल जो है माननीय हमारे कानून मंत्री का स्टेटमेंट सुनिए, जो है अच्छा सुधार की जरूरत है, लेकिन जो सख्ती भी जरूरी है। बिल्कुल सर, आप बताइए। अब इस पे आप अपना क्या मुझे लगता है, पुलिस का विभाग ही समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लोगों को परेशान करता है, मन का काम नहीं करने देता। जी जी जी, नहीं नहीं, अराजकता क्यों फैलेगी, हर विभाग अपना काम करेगा। पुलिस का विभाग ही समाप्त। आप बताइए, आपका क्या विचार है हरीश भाई? आप मेरा विचार ये है, अरे सर जी कौन है? मेरा भी सजेशन ले लीजिए हमारे। मेरा सजेशन ये है कि एक नई मिनिस्ट्री फॉर्म करनी चाहिए। बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। हाँ ये तो ठीक है, उसके अंदर हम सबके हैप्पीनेस का ध्यान रखेंगे और इस तरीके की पार्टियां जो है वो आयोजित होती रहे,
उसके लिए पार्टी मिनिस्ट्री अलग बना दें, ये तो सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताइए आप हरीश भाई। मेरा विचार ये है कि अरे चुप होइए भाई, मेरा विचार ये है कि पुलिस से जिस तरीके से जनता घबराती है, पुलिस को देख के ही आदमी के मन में अगर किसी के घर पुलिस आती है तो जनता सोचने लगती है, बिना किसी निरपराध बिना किसी अपराध किए हुए वो डर जाती है। ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि पुलिस और डर खत्म हो और पुलिस का रवैया जनता के प्रति दोस्ताना हो, बिल्कुल ना कि एक इतना भयानक और दहशत वाला हो। नहीं नहीं नहीं, ये बात आपकी सही है। समय आने पे हम लोग इस पे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। धन्यवाद। अब आप अपना दीजिए। वीडियो में देखा था कैसे पुलिस भाई, मैं वीडियो तो बना रहा हूँ तो अब इसको मतलब अपने तरफ नहीं कर पा रहा हूँ अपना चेहरा, क्योंकि कट जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, हाँ हरीश भाई आप सपोर्ट करिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये पुलिस का डिपार्टमेंट जिसके हाथ में है वो जाने। मैं जंगल का एक्सपर्ट हूँ, स्पीशीज के बारे में जानकारी है मुझे, वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छे से 20-25 साल से एक्सप्लोर किया है। तो कैसे जंगल को संरक्षित किया जाए, कैसे वाइल्ड लाइफ को संरक्षित किया जाए उसकी थोड़ी बहुत जानकारी है, और कैसे जो आम जन है, जो हमारी जनता है जो जंगलों में रह रही है, जो जंगल के साथ साथ सफर भी कर रही है, मिले हुए गांव है, उनको कैसे अटेंशन उनको कैसे अटेंशन हियर, तो वाइल्ड लाइफ से कैसे उनको मतलब एक रिश्ता बना के रखा जाए, वो चीजों के लिए बहुत अच्छा सा मेरे पास विचार भी है और अच्छी सी एक योजना भी है। इन फ्यूचर कभी आम आदमी सामने हमारे, आप देखिए ये नाश्ते की तैयारी हो रही है। सलील भाई हमारे, मेजर सलील शुक्ला जी बैठे प्याज छील रहे हैं। ये मनु जा रहा है, ये ललित भाई अंडे फोड़ने के लिए भगोना लेके आए हैं, इसको भी फेंट के कराएंगे। एक और ये हमारे हरीश भाई खड़े हुए, धनिया का संशोधन हो रहा है। तो जो भी हथियार हैं, जो भी खाना बनाने के सामान हैं वो हाथ हैं, और जो भी प्राकृतिक चीज़ें मिल रही हैं उसी से काम चल रहा है। ये इधर गैस रखी हुई है, आज गैस में ही नाश्ता बनेगा, आमलेट बनेगा। ये कढ़ाई रखी हुई है, अभी लौटे हैं थोड़ी देर पहले ही जंगल से, कोई जानवर देखने को नहीं मिला सही तरीके से। और ये इसमें अभी भाई हमारे खड़े हुए हैं वहाँ पे, रोहित बस अब नाश्ता बने खाएं। भूख बहुत तेज लगी हुई है, बहुत तेज भूख लगी है। चलिए अभी थोड़ा प्रिपरेशन करने के टाइम पे फिर से आपके पास वापस आएंगे, अभी फिलहाल के लिए।